गुड इवनिंग मुलाराम जी। हेलो विजय जी, इंदिरा नील दास। हेलो, बहुत अच्छे हैं भैया। बताओ, हाउ टू मेक कोलोन क्लीन डेली विदाउट यूजिंग टेबलेट्स, कोलोन रीजन। ओके, आप ना रेगुलर मोशन के रास्ते की एक तो रेगुलर मसाज किया करें, और साथ में 2 चम्मच गाय का देसी घी दूध के अंदर डाल के लिया करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेगुलर जो लैक्सेटिव लेते हैं ना पेशेंट, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो लगातार लंबे समय तक लैक्सेटिव लेते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है कि उनका एनल कैनाल का जो एक मतलब पूरा आंत से लेके और मोशन के रास्ते तक का आंत का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो कमजोर हो जाता है, और साथ में मोशन के रास्ते के अंदर खुश्की आ जाती है, इसको कहते हैं रूखापन। तो रेगुलर मल द्वार के अंदर चिकनापन करने के लिए तेल लगाओ, और रात में दूध के साथ 2 चम्मच गाय का देसी घी लें, यही एक सॉल्यूशन है। साथ में इसबगोल की भूसी ले सकते हो। नारायण सिंह मुकुल जी, प्रणाम प्रणाम सर। पाइल्स है, जलन बहुत होगी, होती है। पाइल्स है तो विजय जी दिखाना पड़ेगा, बिना देखे तो पॉसिबिलिटी है नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई आप नहीं आ सकते, तो अर्शकल्पवटी आती है बाबा रामदेव की, पतंजलि योगपीठ बनाती है अर्शकल्पवटी, 2-2 गोली सुबह शाम, और साथ में गंधक रसायन की गोली आती है, 2-2 गोली, 2 गोली गंधक रसायन, 2 गोली अर्शकल्पवटी की सुबह शाम लो। साथ में सॉरी, जैत्यानी तेल और साथ में नारियल का तेल बराबर मात्रा में मिक्स कर लो, उससे रेगुलर आप ऑयलिंग करें, मसाज करें, इससे आपको आराम आ जाएगा। और नॉनवेज ऑयली स्पाइसी गुटखा खैनी बिल्कुल बंद कर दे, ठीक है। जय श्री राम जी। फिशर है योगेंद्र जी, तो फिशर का कैटेगरी कैसी है, कैसा नहीं है, कब से है, कब तक, मतलब कितना टाइम हो गया, तो ये बहुत जरूरी होता है। फिशर के अंदर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, उसके बाद फिशर के बाद फिस्टुला बन जाते हैं, तो पहले अपनी कैटेगरी को पहचानो, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। नारायण सिंह हेलो, हेलो जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर। मेरी पेशाब की जगह छोटी हो गई है और वहां की स्किन बाहर आई है, मल द्वार की कहना सारे हैं कि पेशाब, पेशाब की जगह का तो भाई डिपार्टमेंट हमारा है नहीं, रही बात मौसम के रास्ते की, तो मल द्वार के रास्ते की अगर प्रॉब्लम बता रहे हो तो ये आपको एनल स्पाज्म इसको बोलते हैं, इसको गुदा का संकुचन बोलते हैं, और साथ में चमड़ी आपकी बढ़ी हुई है उसको सेंट्रल अटैक बोलते हैं, इसको छाछ के द्वारा खत्म किया जा सकता है, ठीक है। नमस्ते जी सर, मेरा छाछ हुआ है, पाइल्स का जख्म कब तक रहेगा? 15 से 20 दिन के बाद ठीक हो जाता है, लेकिन आपका छाछ सुथरा हुआ हो तो ठीक है। छाछ सुथरा हटने के कितने दिन बाद तक हल्का पस, ये पस नहीं होता, पस का एक तरह से डिस्चार्ज होता है जो हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। मल द्वार के अंदर के जितने भी छाछ सुथरा के प्रोसीजर होते हैं उसके अंदर कोई टाके वगैरह नहीं लगते, जैसे जो घाव बांध का रहा तो उसके अंदर टाके लगा के बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता, स्लोली स्लोली घाव ही अपने आप हील करते हैं, ठीक है। सर फिशुला का थ्रेड आज 4 मंथ बाद निकल गया है, सर क्या सावधानी रखनी है? अभी केवल लंबी सिटिंग, लंबी ड्राइव, नॉनवेज, अल्कोहल, गुटखा, खैनी, तंबाकू, इन चीजों का खास ख्याल रखना है, इनकी केयर करो, कोई दिक्कत लाइफ में नहीं बनने वाली। बहुत से कहते हैं कि सर हम तो गुटखा खाते हैं, हम सर अल्कोहल छोड़ नहीं सकते, तो हर चीज की लिमिट होती है, आप लिमिट से काम करो, वो तो आपकी पर्सनल लाइफ है, भी आपको जीना कैसे है, डॉक्टर का फर्ज होता है बताना, उसके बाद उसको फॉलो करना है कि नहीं करना वो तो आप देखो। चाय पीने के बाद सर मेरे पेट साफ होता है, ये तो हैबिट है भाई, आपको पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है कि नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ये बाथरूम वाला ना हमारा काम नहीं है भाई। हाय सर, मैं दुबई में हूँ, आपका लाइव देखा हूँ, गॉड ब्लेस यू जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, फिस्टुला का ऑपरेशन करवाया है, आगे तो नहीं होगा? भरत सिंह जी, भगवान करे बिल्कुल कोई बीमारी ना हो, आपका डॉक्टर अगर अच्छा है तो आपको कभी भी लाइफ में शरीर प्रॉब्लम दोबारा रिपीट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन मॉडर्न सर्जरी अगर हुई है तो हो सकता है कि वो दोबारा प्रॉब्लम करे, मॉडर्न सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता, साफ सुथरा का रिजल्ट ज्यादा अच्छा होता है, फिस्टुला के अंदर मॉडर्न सर्जरी का रिजल्ट अच्छा नहीं है। फिर भी हम भगवान से चाहते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप रेगुलर मोशन के रास्ते जैतून तेल से मसाज कर लिया करें, ठीक
ठीक है, फिस्टुला का ऑपरेशन करवाया है। अच्छा ओके सर, फिस्टुला का छात्र करवाया था, धागा निकल गया है, 20 दिन हो गए हैं, थोड़ा पस या मवाद आता है, डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टर ने बोला 90, ये सुना है अभी, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाई चांस हल्का सा वो व्हाइट डिस्चार्ज आता है ना, वो व्हाइट डिस्चार्ज केवल हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, उसका कोई किसी भी तरह की घबराने की कोई बात नहीं होती। आप बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करो, कोई घबराने की बात नहीं है, मेंटली रिलैक्स करो अपने आप को, ठीक है। हेलो सर, मुझे 2 साल से फिशर है, क्या करें सर? दर्द नहीं होता है ना ही ब्लड आता है, पर ठीक नहीं होता है, क्या करें? मुझे 2 साल से फिशर है। देखो अनुज जी, पहली बात तो ये कि हर चीज की कैटेगरी होती है। अब जो कैटेगरी का आधार लगा के चले कि फिशर आपका किस कैटेगरी के अंदर पड़ा हुआ है, अगर वो कट आपको दिखाई देता है, महसूस होता है मोशन के रास्ते फिंगर लगाते समय, कोई खुरदरा सा आपको लगता है, जैसे एक रफनेस ही, आपने मोशन के रास्ते फिंगर से ऐसे मसाज किया और आपको कोई रफनेस खुरदरापन दिखाई दिया, तो हो सकता है कि वो क्रोनिक फिशर हो, और क्रोनिक फिशर का कंप्लीटली जो इरेडिकेशन होता है वो छास्त्रा के द्वारा होता है। अब बहुत से पेशेंट ये भी कहते हैं कि सर मेरे को फिशर के अंदर दर्द नहीं है, आप बोल रहे हो फिशर के अंदर हमेशा दर्द जब होगा, जब आपको फिशर एक्यूट होगा, या आपका फिशर क्रोनिक होने के बाद आपके मोशन के रास्ते को छोटा कर देगा। कभी भी क्रोनिक फिशर के अंदर दर्द कम हो जाता है, जिस तरह से भगंदर के अंदर दर्द कम रहता है, उसी तरह से क्रोनिक फिशर के अंदर दर्द कम होता है, लेकिन क्रोनिक फिशर को ट्रीट जो किया जाता है वो एज अ फिस्टुला ट्रीट किया जाता है, जैसे एक भगंदर होता है, बिल्कुल भगंदर के जैसे ही क्रोनिक फिशर को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब उसके अंदर दर्द है कि नहीं, ये बात उसकी नहीं है, बात है कि आपके शरीर के अंदर डिफॉर्मिटी पड़ी हुई है जिसको आपको कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, समझे? ठीक है, मैं हीमोफीलिया का पेशेंट, भाई ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है भाई, हमारा काम नहीं है। लाइक भी कर दिया करो भाई क्लिनिक को देखने वालों, आपका एहसान होगा, आप लोगों का टाइम निकाल के आते हैं आप लोगों के लिए। नया कोई कमेंट नहीं है, क्वेश्चन है ही नहीं कोई कि दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। क्वेश्चन किसी का है ही नहीं, कमेंट तो किसी का दिखाई दे नहीं रहा भाई, पुराने वाले पड़े हुए हैं, क्रिएटिव आर्ट के बाद से कोई कमेंट ही नहीं दिख रहा, कोई कमेंट है ही नहीं कि मेरे को दिखाई नहीं दे रहा भाई, एक बार देख बताना भाई, कोई बंदा तो देख रहा है।
भाई कमेंट वगैरह करो, लाइव बंद करना पड़ेगा। कोई भी कमेंट करके बता दो एक बार कि भाई मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ कमेंट है कि नहीं है। कोई भी एक बार हाई लिख के देखो एक बार, फिर मैं दोबारा चलाऊंगा। कमेंट दिख ही रहे भाई। चलो इसको बंद करके दोबारा चलाते हैं।